ఇక బడ్జెట్పై కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. महीने में 1,20,000 करोड़ की लगभग जीएसटी कलेक्शन हुई, रेवेन्यू आया. अब हम सबके सामने चुनौती थी कि अगला बजट कैसा. नाउ आई कम स्ट्रेट टू द बजट एंड प्रोविजंस मेड इन द बजट और द अनाउंसमेंट्स ऑफ द बजट फॉर द ईयर 2021-2022. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट में वो सब कदम उठाए गए हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने और अगले 4-5 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने. पिछले वर्ष यानी कि इस वित्तीय वर्ष में 2021 में हमारा बजट था 30,42,000 करोड़ का. The budget for the financial year 2021 was 30,42,000 crore rupees, and budget for the year financial year 21-22 has been increased by 4,08,075 crore rupees to the tune of 34.50 lakh crore rupees. 4,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी 21-22 के बजट में भारत सरकार ने रखी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 34.5% की वृद्धि है. 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जाएगा. And if you look at the health budget, health and wellness budget, there is an increase of 137%. It has gone up from 94,000 crore rupees to 2,23,846 crore rupees. Agle saal health and wellness budget 2,23,846 crore rupees hoga, जो 137% की वृद्धि है. COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो नई योजना हम शुरू करने जा रहे हैं. देश के 650 जिलों में अस्पतालों को मैं सुधार करना, हमारे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में और सुधार करना, टेस्टिंग लैब्स और बाकी सब सुविधाएं देना, इस सब की तरफ प्रयास किए जाएंगे. हर घर नल, नल से स्वच्छ जल, एवरी हाउस विल हैव पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. And an amount of 50,000 crore rupees has been earmarked for the Jal Jeevan Mission. 50,111 crore rupees ka pravdhan Jal Jeevan Mission ke antargat kiya gaya hai. Ab tak 8 crore mahilaon ko rasoi gas ka cylinder Ujjwala Yojana se mila tha. 1 crore aur mahilaon ko उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर मिलेंगे. हमने पिछले साल मनरेगा में रिकॉर्ड बजट 61,000 करोड़ रखा था.